नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पानी की टंकी रखी हुई है। दोस्तों ये पूरा लॉस सिस्टम है। यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि जब दोस्तों हमारा पानी भर जाता है, जैसे दोस्तों टंकी है ये जब भर जाता है दोस्तों, तो पता नहीं चलता, पानी गिरता रहता है। दोस्तों इसको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आइए आपको दिखा देते, पहले सामान दिखा देते। दोस्तों हम लोग ये लगाने वाले हैं वाटर अलार्म। क्या लगाने वाले हैं दोस्तों? वाटर अलार्म। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास वाटर अलार्म है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है AV या अग्नि। ठीक है, प्राइस की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये मार्केट हमें 200 रुपए का मिला हुआ है और इसमें कोई वारंटी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया। चलिए और उसके बाद दोस्तों हम लोग तार यूज करने वाले हैं, तो किस कंपनी का तार यूज करने वाले हैं दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए बाटा जी का केबल यूज करने वाले हैं, बाटा जी का केबल। जो दोस्तों यहाँ पे इसको छील के भी हम आपको दिखा देते हैं कि दोस्तों हमने यहाँ पर देख लीजिए तार का MM की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कोई MM नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमने बाटा जी का 10 रुपए का केबल खरीदा है और इसको हम छील के आपको दिखाते छी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पतला सा तार हमने खरीदा है और ये तार को हमको कहाँ कनेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये वाला हमारा प्लग है, ये वाला हमारा जो दोस्तों प्लग है, इस प्लग को क्या करेंगे हम लोग बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो दो तार है दोस्तों, ये वाला ये देख लीजिए, दो तार दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसका एक सिरा जो दोस्तों जाएगा कहाँ पर, टंकी के अंदर जुड़ जाएगा। तो वीडियो पूरा दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। और यहाँ दोस्तों हम लोग काजू पिन यूज करने वाले हैं 6 mm का। ठीक है, तार का रेट आपको पता है 10 रुपये मीटर तार पड़ा दोस्तों, ये हमारा 200 रुपये का पड़ा, इसमें कोई वारंटी नहीं है। हमको लगाना कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम टंकी पर चढ़ते हैं और यहाँ मैं खुद लगाने वाला हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ कैमरे के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तार को हमने देखिए ये तार को ले लिया हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर चलेंगे, ऊपर हम लोग यहाँ पर ऊपर आएंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऊपर क्या है, टंकी नहीं दिख रही है, आप सोच रहे होंगे यहाँ दोस्तों टंकी नहीं है, बट दोस्तों ये टंकी ही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दोस्तों हमारी टंकी है। तो दोस्तों टंकी कहाँ पे है, चलिए आपको पहले चारों तरफ दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ये टैंक ही है, इसको बनाया गया है। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर आ जाओ दोस्तों, ये हमारा टंकी है और अभी देखिए यहाँ टैंक का ये ढक्कन है, तो हम इसको क्या कर ले रहे हैं, इसको हटा लेते हैं। यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा लेंगे, ये देख लीजिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इसको हटा लेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे बड़ा अजीब ढंग का टंकी है दोस्तों, हाँ यहाँ पर अजीब तरह की टंकी है, पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सभी को हटा लेंगे। ठीक है, हटाने के बाद यहाँ पर हमारा ढक्कन है, यहाँ पर देख लीजिए ढक्कन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन के अंदर तार को डालेंगे। दोस्तों हमारा यहाँ जो मित्र हैं, जो मतलब काम करते हैं हमारे वर्कर, ये यहाँ पर चढ़ेंगे दोस्तों। हमको चढ़ने में क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ये चढ़ेंगे और ढक्कन क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो चलिए इनको कैसे चढ़ना है दोस्तों, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि चढ़ना किधर से है, फिर भी देख लीजिए सेफ्टी के साथ यहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं। चलिए अब ढक्कन को खोलते हैं, ढक्कन भारी है, ऐसे नहीं खुलेगा, चढ़ना पड़ेगा। छोड़ो, हम लोग दोस्तों यहाँ पर टैंक को ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए टैंक को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं इस तरह, देख लीजिए यहाँ पर टंकी को ओपन कर लिया हूँ और हम लोग हटा के दूसरी जगह रख देंगे। दोस्तों ये इतना भारी है कि उठ नहीं रहा है, अब हम लोग यहाँ पर उठाते हैं, चलिए उठा लेते हैं, देखना आराम से गिरे ना। ठीक है, आप देखिए पूरा टंकी का नज़ारा आप देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए पूरा टैंक है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ देख लीजिए अंदर पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तार को देख ली इस प्रकार गिट्ठी कर लिए हैं, यानी गिट्ठी कर लिए हैं, एक तार दूसरे तार से टच ना हो, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर डाल के छोड़ देंगे। दोस्तों इसको हमको कितना अंदर तक डालना है आपको देख लीजिए, ये वहाँ पे आप सामने देखेंगे छोटा सा पाइप पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ छोटा पाइप है, उसी के लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, इस तार को डाल देंगे अंदर, क्योंकि जैसे ही पानी भर जाएगा तो उस लेवल पानी वहाँ से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बहता है पानी, तो हम लोग इसी लेवल तक तार को अंदर डाल के और यहाँ पर चेंबर को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ बंद कर देते हैं, तो डालो कितना जितना जरूरत उतना डाल दो। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस वायर को इस तरह डाल दे रहे हैं, डालने के बाद ढक्कन को हम लोग क्या करेंगे, अभी बंद कर देंगे। दोस्तों जैसे ही पानी खत्म हो जाए, जैसे ही पानी भरेगा, और दोनों जो हमारे दोनों यहाँ पे तार हैं दोस्तों, आपस में क्या हो जाएंगे, पानी के माध्यम से टच हो जाएंगे, तो ये बजना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चेंबर को बंद कर देते हैं, हम नीचे चलते हैं। तो हमने यहाँ चेंबर को देखिए बंद कर दिया है, अब जिस तरह से ये
दोस्तों इसको गांव में हमें नहीं पता क्या बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों खपड़ा बोलते हैं शायद यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर इसको लगा देते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ से तार को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ से क्या करेंगे जहाँ पर हमारा समरसेबल का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वहाँ तक इसको ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर मेन पावर की सप्लाई होगी वहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से हम लोग नीचे से ले जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों नीचे हम लोग क्या करेंगे उतार देते हैं। तार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर तार काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे तार को सीधा डाउन कर देंगे यहाँ पर नीचे इस तरह से कर देंगे। तो दोस्तों आप कभी भी कोई भी तार लगा सकते हैं, सिर्फ इस तार में करंट वगैरह नहीं आता, सिर्फ ये क्या करता है सेंस करता है कि हाँ हमारा वहाँ जो हमारा ये वाटर अलार्म लगा हुआ है उसको सेंस करके पहुँचा देता है कि पानी भर गया है, ठीक है, फिर वहाँ पे स्पीकर रहता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों हम लोग नीचे उतरते हैं, यहाँ पर हम लोग नीचे उतरते हैं और देखते हैं काम को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग तार को क्या कर दिए, यहाँ पर देख लीजिए नीचे कर दिए हैं और यहाँ सारा तार दिख यहाँ से हमने दोस्तों यह देख लीजिए हमने तार को यहाँ पे ऊपर कर दिया है, ये देख लीजिए दोस्तों हम लोग तार को नीचे कर दिए हैं और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा फंस रहा है, इसको भी हम लोग सही कर देते हैं। दोस्तों हम लोग तार को पूरा यहाँ पे ला दिए हैं, अब इस तार को हमको कहाँ पे ले चलना है चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास तार है दोस्तों, तार ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पर हमारा जाएगा इस, यहाँ दोस्तों यहाँ ताला बंद है, इसके अंदर स्टार्टर है। दोस्तों हमने यहाँ पर तार को ला दिया है, देख लीजिए दोस्तों हमने यहाँ तार को ला दिया है, जो दोस्तों टैंकी से तार व्हाइट वाला आ रहा है दोस्तों यहाँ पर हमने ला दिया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर अलार्म है इसको दोस्तों हमको बिजली की सप्लाई देना है, न्यूट्रल फेज देना है। तो दोस्तों कहाँ पर देना है, दो तरीका हो, या तो इस बोर्ड में दे देते हैं या तो इस तार को कट कर देते हैं। कट करने के बाद समरसेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर समरसेबल का तार, समरसेबल प्लग जो देख रहे हैं दोस्तों उसी प्लग में इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कौन से किस में हम लोग इसको जोड़ने वाले हैं। तार को हमने देखिए अच्छे से छील लिया है, ठीक है, छीलने के बाद वाटर अलार्म का तार को हम लोग छील लिए हैं। छीलने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए एक प्लग लगा हुआ है, इसी प्लग में क्या करेंगे न्यूट्रल फेस उसी में हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको चलिए जोड़ देते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे दोस्तों वैसे क्या हो जाएगा समरसेबल में करंट चला जाएगा और हमारा जो वाटर अलार्म है दोस्तों उसमें करंट चला जाएगा। चलिए ये हम लोग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों इसमें एक प्रॉफिट ये है कि आप जब पानी की टंकी भर जाएगी तो आपको इंडिकेट करेगा कि पानी की वाटर टैंक हमारा भर गया, कृपया मोटर को बंद करिए। दोस्तों मोटर बंद कर देंगे तो हमारा इसमें जो बजने वाला सिस्टम ये भी बंद हो जाएगा, अगर हम इसको कहीं और सप्लाई देंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो हम जैसे ही अगर हम इसको दोस्तों किसी बोर्ड में दे देंगे तो फिर हमको मोटर की टंकी बंद करनी पड़ेगी, समरसेबल का बंद करना पड़ेगा, उसके बाद क्या बंद करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे हमको एक प्लग भी बंद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। दोस्तों हमने यहाँ पर तार को जोड़ दिया है, जो हमारा दोस्तों जिसने हम लोग पावर सप्लाई में देते थे मतलब उसमें हमने तार को जोड़ दिया है वाटर अलार्म का। अब दोस्तों ये हमारा टैंक वाला तार है दोस्तों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको छील लेते हैं। चलिए इसको हम लोग छीलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों तार को छील लेंगे। छीलने के बाद दोस्तों जो हमारा वाटर अलार्म है उसमें उसमें भी दो तार निकला रहता है, तो हम लोग उसको भी कनेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी क्वेश्चन दोस्तों ये आ जाता है मन में कि क्या दोस्तों जो पानी के अंदर तार गया है क्या उसमें करंट आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी इलेक्ट्रीशियन भाई को होता है। तो चलिए उसको भी हम आपको डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले सबसे बता देते हैं, यहाँ पर हमने देखिए पावर सप्लाई को ऑन करके तार को आपस में टच कर दिया, देखिए रिंग टोन बजना स्टार्ट हो गया है, ये देख लीजिए बज रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं और यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों तार को हम लोग टच कर ले रहे हैं, क्या हमें करंट लग रहा है या नहीं लग रहा। देखिए हमारे भाई साहब ने यहाँ जमीन पे पैर रखा हुआ है और तार को टच किया और सप्लाई ऑन है, तो इन्हें करंट नहीं लग रहा है, यानी इसके अंदर करंट नहीं होता दोस्तों। ये सेंसर टाइप का काम होता है, एक सेंस करता है दोनों तार से। तो ये माइंड में हटा लीजिए कि जो तार टंकी में लगा रहता है उसमें करंट जाता होगा, करंट आएगा पानी में, तो यह ऐसा नहीं होता। ये हमने यहाँ प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। हमने यहाँ तार को जोड़ दिया है
और हमने सप्लाई को भी ऑन कर दिया है। तो देख लीजिए टेस्टर से भी एक बार आपको चेक करके दिखा दें, यहाँ टेस्टर से हमने चेक कर दिया, कोई करंट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम आपको प्राइस तो बता ही दिए थे दोस्तों, इसको लगाने का कितना चार्ज होता है, कहीं पर लगाइए दोस्तों कम से कम 400 रुपये आप ले लीजिए, जहाँ पर भी लगाइए इसको 400 रुपये ले लीजिए, और ज़्यादा डिस्टेंस है टैंक तो उसका ज़्यादा पैसा ले लीजिए। तो हमारा दोस्तों ये काम कम्प्लीट हो गया है, और हमने जैसे समरसेबल को देखिए ऑन किया, टंकी भर चुकी है, इसलिए हमारा आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसी तरह का हम वीडियो लाते रहते हैं, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।